वाली ने पेंडू नु फड़ के सीने ला लिया, फरमाया पेंडू आ जिदा कलमा पढ़ना है नबी मैं। पेंडू दिया चीखा निकल गई, उन्हें कबली वाले दे कदम फड़ लाए, कह लगा सुने माफी दे दे, सारी जिंदगी दुआवां करदा रहा हूं, या अल्लाह जिदा कलमा पढ़िया ओदी दीद करा दे, अज दीद कीती है बेअदबी कर बैठा वा, मेरे आका कदमा दे पड़ के सीने ला लिया। फरमाया पेंडू आ मैं बादशाह नहीं, मैं नबी हां, ना कदमा च झुकाउन नहीं आया, ना ते नीवियां नूं उच्चा करने आया। कौन है दिवाली काबे का तवाफ कर रहे, 10,000 सहाबा तवाफ काबा कर रहे थे, और दूर एक काफिर नौजवान जिसका नाम फुजाला बिन उमैर, उन्हें ख्याल आया कि आज रश बड़ा तो होवे ना, मुहम्मद नु कतल ना कर देवा, इतने रश पता नहीं चलना किन्ने मारे। खंजर लैके तवाफ करदा करदा मेरे नबी के करीब आया, तो इस तरह करके जो हमला कर लगा ना, तो मेरे नबी की निगाह उसके चेहरे पर पै गई। लंगे वाले हो जो किसी के चेहरे पर पै जाए मेरे नबी की निगाह, गल सुना देव जिदे ते पै जाए नबी की निगाह। बाबा जी इधरों हजूर आ रहे थे, इधरों अबू जाल का पुत्र इकरमा जा रहा, दोवे दियां निगाहां झुकियां मक्के की गली, ते इधरों हजूर की निगाह उठी, उधरों इकरमा की निगाह उठी, ते अखां होईयां ना चार, ते दिल आ गया, सुभान अल्लाह, दिल आ गया। किसे हिंदी दे शायर ने आख्या सी, कहंदा इक माह मदन गोरा सब बदल नीची नजरें कुल की खबरें, इक माह मदन गोरा सब बदल नीची नजरें कुल की खबरें, इक माह मदन गोरा सब बदल नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखा के फबल वो सुनाओ के सुखन, मोरा भूख दिया सब तन मन धन। एक माह मदन गोरा सब दन नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखा के फबन वो सुना के सुखन, मोरा भूख दिया सब तन मन धन। इधर दिल आ गया, ते इकरमाना मक्के दी गली च दौड़दा जावे, दौड़दा जावे, लोक आखन किधर दौड़ना क्यों, उन्हें आख्या अब्बा जादी बारी कह गए पुत्रा मरनो मर जाई, पर तेरे ते किधरे मुहम्मद दी निगाह ना पै जाए, पर आज मेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है। अंदर इश्क आ गया, अकल आखे दौड़ जा, ते इश्क हंस के आखे दौड़ के वखा, मैं आ जावा दौड़ नहीं देता। नौजवान इकरमा दौड़िया दौड़िया अपने बुतखाने आया, अपने बुद्ध दे कदम फड़ के कहन लगा मेरे रब्बा मैनू बचा ले, मेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है, कबली वाले दा नाम सुनिया पुत जमीन ते डिग के दो टुकड़े हो गया, पुत विच आवाज आई तेनू कौन बचावे, तेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है, ते जिदे ते मुहम्मद दी निगाह पै जाए ओनू कौन बचा सकदा। ओ टुरिया टुरिया दरिया दे किनारे आया, मुड़ के कहन लगा मर जावांगा मुहम्मद तेरा कलमा नहीं पढ़ांगा, उन्हें दरिया विच छलांग लगाई, दरिया दिया लहरां चुके बार छड़िया, उन्हें दूसरी बारी छलांग लगाई, दरिया दिया लहरां चुके बार छड़िया, उन्हें तीसरी बारी छलांग लगाई, दरिया दिया लहरां चुके बार छड़िया, दरिया वल वेख के कहन लगा मैनू मारदा क्यों नहीं, लहरां च आवाज आई तेनू कौन मारे, तेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है, ते जिन्ना ते मुहम्मद दी निगाह पै जाए ओ ते मरदे नहीं कब्र च भी जिंदे ही रहिंदे, ओ नहीं मरदे जिन्ना ते मुहम्मद दी निगाह पै जाए, रब्बे काबा दी कसम है फिर उन्हां दी कब्र भी जिंदा, नहीं ते जा दाता साहब जाके वेख ले, बाबे फरीद दे दरबार ते वेख ले, चूरे शरीफ ते अलीपुर सैयदा जाके वेख ले, उन्हां दी कब्र भी जिंदियां पईयां जिन्हां ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है। ऐ गोलड़े दा ताजदार अजे भी नहीं बोले सुभान अल्लाह, चिश्तियां दा इमाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दा फजान लुटन वाला हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नबी पाक की जो जियारत हुई ना ख्वाब आपने नात लिखी अज सिख मित्रा की वधेरी है ते उस नात च फरमाते ने इस सूरत नूं मैं जान आखा उस सूरत नूं नहीं इस सूरत नूं पता लग गया वेख के पे लिखते सन कहते सन इस सूरत नूं मैं जान आखा जाना ना के जाने जहान आखा कदे फरमाते ने यह सूरत शाला पेशे नजर रवे वक्त नजात रोजे हशर जद कबर ते पुल थी होसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरियां हैं ते कहंदे ने इन्हां सिक दियां ते कुरलां दियां ते लख वार सदकड़े जांदियां ते इन्हां पर्दियां मुफ्त विकांदियां ते शाला वत भी आवन ए घड़ियां शाला वत भी आवन ए घड़ियां मेरी मिल्लत दे नौजवानों पीर मेर अली शाह सुबह सुबह उठ के ना ते गुलरे शरीफ दे रेलवे स्टेशन ते मॉर्निंग वॉक करने वाले तस्बीह पढ़ते जा रहे एक अंग्रेज शिकार कर निकलिया उन्हें बंदूक पकड़ी पीर मेर अली शाह साहब की तस्बीह पकड़ के ना ते अंग्रेज कहने लगा ये की है आप उदी बंदूक वाले इशारा करके फरमान लगे ये की है अंग्रेज कहने लगा मेरा हथियार है आप फरमान लगे ये मेरा हथियार है अंग्रेज बड़ी हैरत ना कहने लगा बाबा जी ये की कर दे आप उदी बंदूक वाले फरमाते ने तुसी ये की कर दे अंग्रेज कहने लगा बाबा मैं तुरु करके दिखा देना सामने दरखत परिंदा चहचहारिया अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी थी गोली परिंदे दे सीने च जा लगी परिंदा फड़फड़ा के जमीन से डिग के मर गया अंग्रेज कहन लगा बाबा जी मैं इहदे नाल एक करना वा आप तस्वीर पढ़ते पढ़ते मुर्दा परिंदे दे खोल आए मुर्दा परिंदे नूं तस्वीर लगाई परिंदा उड के जाके दरख्त ते बह गया फरमाया मैं इहदे नाल एक करना लग गया जिन्हें मुहम्मद की निगाह पै जो मरदे नहीं और ठोकर मार के मुर्दे जिंदा कर देंगे ला यमूतून वलाकिन तकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे वो अपने घर गए ओदे ते निगाह पै गई मेरे नबी अख अख विच पा के तकिया सु मेरे दिल ते कर गया सौ टुकड़े उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ मैं कदे डूब जाते हैं या इंज कह लवा उदे हाथ विच कोई तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं या इंज कवा ओ एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने ओ मेरे नबी दी निगाह उहदे चेहरे ते पई ते उहदा खंजर गिर गया ते जिस्म कप कपा रिया नबी पाक मुस्कुरा के फरमाते ने फजाला किधर कह लगा जी मैं ते अल्लाह अल्लाह पिया करदा सा अजी मैं ते तलबिया लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पिया पढ़दा सा मुस्कुरा के हजूर ने फरमाया मैं नबी हाँ ते नबी ने झूठ नहीं बोली दा नबी होंदा ही होवे जिहड़ा बैठा फरिश्ते होवे ते गल अरश तो पार दी सुना देवे इतना फरमा के ना ते मेरे नबी ने फजाला बिन उमैर दे सीने ते अपना यदुल्ला वाला हाथ रखिया हाथ रखिया उहदे हाथ रब अपने हाथ आखे नकीब साहब उहदे हाथ रब अपने हाथ आखे हो भी काफिर जिहड़ा वख आखे शरकपुर दा ताजदार हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज पढ़ के मुसल्ले ते बैठे ते आप दा मुरीद अपना पुत्र लेके आया कहन लगा मेरे पुत्र दा नाम फतेह मुहम्मद है हाफिज़े कुरान नमाज नहीं पढ़दे नु समझाओ मियां शेर रब्बानी फरमांदे ने फतेह मुहम्मद पुत्र नमाज क्यों नहीं पढ़दा कहन लगा बाबा जी मेरा नमाज च दिल ही नहीं लगदा आपने शहादत दी उंगली उहदे दिल ते रखी ते फरमाया जा दिल लगया करेगा जा दिल लगिया करेगा फिर इंज दिल लगिया असर दी नीयत करके कलोंदा मगरिबे हो जांदी है इशा दी नीयत करके कलोंदा है फजर हो जांदी है ओदे सीने ते वली ने उंगली रखी है ओदा की हाल होयावेगा जिदे सीने ते हाथी मुहम्मद ने रख दिता है फजाला बिना मारे कहंदा कुफर निकलदा जा रहा ईमान भरदा जा रहा
कदम फड़ के कहन लगा सोने कलमा पढ़ा। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, फुजाला कलमा पढ़ के काबे च निकलिया। उलामा फरमाते ने काबे दे सामने गली आई, उस गली च की औरत दा मकान है। फुजाला उस औरत नु वेखन वास्ते सारा दिन ओदी गली दे चक्कर लगांदा है। अज कलमा पढ़ के निकलिया, सामने से औरत आ रही। फुजाला निगाह मां झुका के गुजर गया। औरत कहन लगी, वे फुजाला अगे वेखन तरसदा रहा है, अज वेखदा ही नहीं। निगाह झुका के फरमान लगे, नी बीबी जा जा, तेनू की वेखा, मैं मुहम्मद वेखाया। ऐसा सोना रब ने बना के भेजा कि जेडे ओनू वेख लेंदे ने मुड़ किसे नू वेखदा ही नहीं। तो पता चलिया जे हुसन नाल मुहब्बत है ते ओदे जा सोना ही कोई नहीं। एडा सोना कि हसीना जमीलां दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। आखो सुभान अल्लाह ते पढ़ा अपने अंदाजे च। मैनू अगली बार याद करायो, जे मैं कदे आ गया ना तो मैनू याद करायो, मैं सुभान अल्लाह कहने बंदे नाल लै आवां। यार तुसी इथे आ जाओ, तकरीर तुसी करो ते सुभान अल्लाह मैं कह लैना। सुभान अल्लाह, ओ उच्चा बोलो यार सुभान अल्लाह। एडा सोना बना के भेजिया, हसीना जमीला दमो मोड़ दीता। हसीना जमीला दमो मोड़ दीता। वल्लदी युसफ्फिरुकुम फिल अरहाम कैफ यशाउ खलकस समावाति वल अर्द बिल हक वसव्वरकुम फअहसन सवरकुम व इलैहिल मसीर। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीर। تبارك الله احسن الخالقين। ترجمہ اے بندا اے حسینہ جمیلا دمو موڑ دیتا، حسینہ جمیلا دمو موڑ دیتا، मोहम्मद बना के कलम तोड़ दीता। कलम तोड़ दीता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दीता। कल जिहड़ा दिन गुजरिया ना, वो 21 रमजान शरीफ का जिहड़ा दिन सी, उस दिन शहादत मौला कायनात सदर बदम विलायत असदुल्लाह गालिब गालिब अला गालिब हजरत सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला। इत्तेबा की है, एक दिन मौला अली जा रहे अपने अहबाब, थके तो नहीं तुसी भाई, रोजे रख रख के बंदा थक भी जाता है, मैनू नहीं पता लंगर है कि नहीं। ते पर ये मैनू पता तुसी लंगर खा के आयो, ते सियाने कहंदे ने जिहदा खाइए ओहदा गाइए, जे अम्मी दस के भेजा तू ते पले मुस्तफा दे लंगर ते फिर सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। मौला अली एक दिन जा रहे थे, रस्ते च एक दरख्त आया, दरख्त दी शाखा बड़िया उचिया सन, मौला अली का कद मुबारक भी दरमियाना से, मगर जो तो दरख्त करीब आया ना, मेरे वाल वेखो, मौला अली ने इस तरह करके ना थे अपने अमामा शरीफ से हाथ रखिया, तो दरख्त नीचे तू ना नीवा होके गुजरे। आप गुजरे थे, अहबाब ने अर्ज की, दरख्त भी उचा है, शाखा सर नो नहीं लगदिया, कद मुबारक भी दरमियाना है, तो नीवा होके क्यों गुजरे हो। मौला अली ने फरमाया,
अज ते दरख्त उच्चा हो गया पर कदे दरख्त भी छोटा हुंदा सी ते मैं भी छोटा इत्थों नबी करीब ना गुजरिया सां ते दरख्त दीआं शाखां उस वेले नीवीआं सन ते सर नूं लगदीआं सन। नबी पाक ने इस तरह करके अमामा शरीफ ते हथ रख्या ते नीवे होके गुजरे। पुछिया उदू ते दरख्त दीआं शाखां नीवीआं चन सन, हुजूर नीवा होके गुजरे, हुण नीवीआं नहीं, हुण क्यों नीवा होके गुजरे हो? मौला अली ने फरमाया दरख्त दी ऊंचाई वेखां के यार दीआं दावां वेखां। हजरत उस्मान गनी एक दिन वजू कर रहे थे, मुस्कुरा रहे, लोगों पूछा कोई हसन वाली गल भी नहीं ते हसदे क्यों हो? फरमाया सची पूछो ते पता मेनू भी कोई नहीं। आखिया हजूर कोई तो वजह आएगी? पर मैं एक ही वजह इतने बैठ के कदन हजूर वजू कर दे मुस्कुरा रहे सन। किसी की अदा को अदा कर रहा हो, ये फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हो, वो हसदे भी उथे बैठ के सन जिथे यार हसदा से, और रोंदे भी उथे बैठ के सन जिथे हजूर रोंदे सन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा एक दिन मदीने तो बाहर ना एक किक्कर दा दरख्त, किक्कर दा बबूल दा दरख्त कंडिया वाला, उन्हों रोज पानी देने जाते सन। किसी अर्ज की थी, हजूर जे पानी देना है तो मदीने दरख्त खजूरां दे फलदार दरख्त ने, इन्हों पानी दे लो, वो कंडिया वाला दरख्त उन्हों पानी देने जाते हो। आपने फरमाया उस दरख्त के साए थले एक दिन माही नूं आराम करदा वेख्या सी, मैं दरख्त नूं पानी नहीं देने जाता, मैं यार दीआं यादां नूं पानी देने जाना हाँ। आई ते बा हर काम यो करदे सन जिहड़ा हजूर ने कीता। नौजवानों ओ नसलां वेख के बरादरियां वेख के रब तुहाडे नाल प्यार नहीं करदा, ओ वेखदा है मेरे यार दा रंग किन्ना कुचड़िया है। बिलाल काले सन ना, पर रब ने रंग काला नहीं वेख्या, रब ने दिल वेच कमली वाला वेख्या। फिर याद है जो फतह मक्का दे दिन ते मेरे नबी ने फरमाया बिलाल काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़, चौधरी थले ते काबे दे छत बिलाल चढ़ गए, जड़े हैं भी गुलाम। नबी पाक चांद तो किसी चौधरी सहाबी नू किसी कबीले दे सरदार नू फरमांदे काबे ते चढ़ जा, गोरे रंग वाले नू कह देंदे, किसी आजाद नू कह देंदे, पर मेरे नबी ने अरबी नू नहीं, हबशी नू, गोरे नू नहीं, काले नू, आजाद नू नहीं, गुलाम नू, और दौलतां वाले नू नहीं, अपने गरीब सहाबी नू काबे दी छाते चढ़ाया। क्यों? ताकि उम्मत दे गरीबां नू पता चल जाए जेडे नीवे होंदे ने ना मुहम्मद आसरा दे के उच्चा ही कर दे दाजे। फरमाया काबे दी छाते चढ़ के अजान पढ़। बिलाले हबशी ने रो के अर्ज की, या रसूल अल्लाह दुनिया दे चौधरी खड़े ने ते मैं गुलाम ते मैं इन्हां तों उच्चा किवें हो जावां? हजरत मियां शेर मुहम्मद शरदपुरी को लिखो गुल, आपका नौकर मुरीद आया तो उन्हें अर्ज की, हजूर लोग अपने नाम ना चौधरी लिखते हैं तो मैं भी लिखना है, पर पहले मैंने दसो चौधरी का मतलब की होता, चौधरी कहते किनू ने? आपने फरमा पुत्र दो चौधरी होते हैं हजूर खेड़े। फरमा जो कल माल डंगर वाल होवे, डेरेदारी होवे, बैंक बैलेंस होवे, गड्डी छड्डी, नौकर चाकर होवन, पुत्र चौधरी होता है, तो हजूर दूसरा चौधरी किहड़ा होता है? फरमाया पुत्र मुरबिया वाला चौधरी मर जाए, चौधर मुक जाती है, मुहम्मद का कमी बन के मर जाए, कबर च भी चौधर जोंदी रहे। बिलाल ने रो के अर्ज की, सोने चौधरी खलोते ने मैं उच्चा किवें हो जावा? फरमाया बिलाल तू काबे की छत से चढ़ जा, मैं दुनिया के चौधरियों ने ही उत्थे दसना है, वह दुनिया के चौधरी हो तुहाडे नाल मुहम्मद के कमी का मुकाम बहुत आ जाए। वेख मेरे नबी ने फिर किवें इत्तेबा, उन्हें रंग काले नहीं वेखे, गुलाम नहीं वेखे, वेखा रंग किदे ते चढ़िया? कौन है जिन्हें मुहम्मद अरबी का रंग चढ़ा ले? अज हर नौजवान चाहता है मैं गोरा हो जावा, मैं सोना हो जावा, वो फिर ईद आवेगी ना चेहरे पर फेशियल भी कराएगा, फिर पॉलिश भी कराएगा, पैसे भी लगाएगा। क्यों? मैं जो लंघे के शरीफ दियाँ मैं गलियां चो गुजरा तो लोग आखन आ मुंडा बड़ा सोहना है ना, मैं मिंबरे रसूल ते बह के तावा करना, तो अपने चेहरे पर लखा रुपये लगा तेनों हो रही कोई ना वेखे, अपने चेहरे ते मुहम्मद या रबी दा रंग चढ़ा तेनों कोई ना वेखे, मुहम्मद दा रब वेखे ही वेखे, तो रंग ते हजूर दा चढ़ा, तो रंग चढ़ा इते बाए नबी दा, तेनों कहना ना पवे मैं अश्के रसूल आ, नहीं नहीं, तेनों वेख के लोकी आखन आ अश्के रसूल है, तेरे किरदार च मुहम्मद दे किरदार दी खुशबू आवे। मेरी मिल्लत है नौजवानों, अपने रंगा उत्ते हजूर का रंग चढ़ा लो, नबी करीम के इत्तेबा का रंग चढ़ा लो। अज हर
हर नौजवान सोना ते गोरा होना चाहता है, हर नौजवान चाहता है मैं सोना हो जावा गोरा। ए स्कूल तुसां देखिया सी ना कि जो कोई बच्चा स्कूल च पेपर देंदा नकल मारदा फड़िया जांदा सी ना, ते उस्ताद उस बच्चे का पेपर खो के उपर क्रास लगा के कहता सी, लिख देता सी बच्चा फेल हो गया। क्यों? ये नकल मारदा फड़िया गया। पता चलिया दुनिया के इम्तिहान च जिहड़ा नकल मारदा फड़िया जावे फेल हो जांदा है, कबर के इम्तिहान च जिहड़ा कमली वाले दी नकल मारदा फड़िया जावे पास हो जांदा है। जे पास होना तो नकल हजूर दी मार के जायो, इत्तेबाए रसूल करके जायो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि एक बड़ी हसीन औरत बाजार च जा रही थी, एक नौजवान उसका पीछा पिया करे। उस औरत ने महसूस किया मेरा पीछा कर रहे, उन्होंने बुला के कहने लगी कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उन्हें आख्या मैं तेरे हुसन का दीवाना हो गया। कहने लगी तू छल्या हो गया, मेरा दीवाना हो गया है? मेरे पीछे मेरी बहन पई आउंदी है, मेरे नालों हजार दर्जे ज्यादा सोहनी है। उस नौजवान ने मुड़ के पीछे वेख्या तो बीबी ने मुँह तो थप्पड़ मारिया, तो कहने लगी तू मेरा दीवाना होता तो मुड़ के ना कदे वेखदा। सोहने पावे मिलन हजारा, असा नहीं यार वटाणा, हमें तो हजूर का दीवाना, तो मुड़ मुड़ गैरा वाल वेखे, मुड़ के तू तो अंग्रेज वाल वेखे, तो आखे के उन्होंने तरक्की नहीं नहीं ये तेन प्यार हजूर नाले, फिर मुड़ मुड़ मदीने वाल वेख, वेखे जा फिर मदीना तैया बाबा। इनू इतिबा कह देने के रंग हजूर का चढ़ा लाए, तेन दसना ना पवे मैं आशके रसूल हाँ, तेन वेख के लोग आखन आ मुंडा साडा पिंड का आशके रसूल है, ये हजूर के किरदार की खुशबू आती है। मेरी मिल्लत के नौजवानों कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नू अल्लाह ने इतना जरूरी करार दिता, फरमाया उन्होंने अल्लाह की मुहब्बत नसीब होगी तो रब का कुरब नसीब होगा जिन्ना मुहब्बत कर ली मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दे नाल। गिरामी कदर हजरात आओ मैं इत्थे एक मिठी जी हदीस सुनावा सुनावा जा खुश सुभान अल्लाह। एक दिन नबी पाक काबे दा तवाफ कर रहे थे, मेरे नबी दे अगे के एक पिंड तवाफे काबा पिया करे। अच्छा वो भी कैसा मंजर होगा जो कमली वाले काबे का तवाफ कर दे होंगे, क्योंकि काबा है तो काबे का भी काबा है। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ कर रहे? मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ फरमाते ने सी हज करन गए ते पाकिस्तान दी एक वडेरी जी माई पेंडू जी साडे नाल चली गई। ओ माई जदों काबे का तवाफ करे ना ते हजरत असवद दे सामने आवे ते माई इस्तेलाम करके ते काबे वल वेख के आखे बख्श दे चंगा रह जाएगा, फिर चक्कर लगा के आवे हजरत असवद दे सामने आवे इस्तेलाम करे ते आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा, फिर चक्कर लगा के आखे रब्बा बख्श दे चंगा ही रह जाएगा। आप फरमाते ने जदों सारे अरकान अदा हो गए ना, असा माई नु काबे दे सामने खिलार के पुछया अम्मा इनी दूर तू अल्लाह ने तेन अपने घर बुलाया, ओदे वेड़े च खलो के उन्हें धमकियां लाई जानी है ते ना बख्शे ते तू की कर लवेगी? ते माई रोन लग पई ते रो के काबे वल वेख के कह लगी मैं की कर लेना, मैं ते उंजी रब नु पई कहनी आ इत्थे ही बख्शे दे चंगा रह जाएगा, नहीं ते मैं मदीने टुर जाना ही, इत्थे ही बख्शे दे चंगा रह जाएगा, नहीं ते मैं मदीने टुर जाना, उत्थे ते वादा कीता ही ना के वलो अन्हुम इदरमु अनफुसहुम जाऊक, जेडे तेरे बुवे आ गए सोने असा फिर उन्होंने वल तो नहीं ना वेखना, वाहिया फिर असा तेरे वाली वेखना है। नबी करीम अलैहि सलाम दे अगे अगे काबे नु तवाफे काबा पे करे ते ओ पिंडू है मुसलमान पर उन्हें जे हजूर नु वेख्या नहीं, अन्न डिठो ही कलमा पढ़े, ओ तवाफे काबा करे ना ते हवा जो पढ़े या करीमो या करीमो या करीमो या करीम, नबी पाक वे दे पीछे पीछे पढ़ देने या करीमो या करीमो या करीमो या करीम। सुभान अल्लाह। तुसा काबे दा जिन्ना तवाफ कीता उन्हां नूं पता है, जिन्ना नहीं कीता अल्लाह सारे दे नसीबां च बार बार करे। जदों काबे दा तवाफ करदे होइए ते कोई पढ़दा हुंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कोई पढ़दा हुंदा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, कोई पढ़दा हुंदा सुभानअल्लाहि वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यानी उत्थे अपनियां अपनियां सारियां दीआं रमज़ां हुंदियां ने, इश्क दीआं रमज़ां वी अपनियां हुंदियां ते रस्मां वी। ऐ ज़िला गुजरात है ना जी, तुहाडे जिला गुजरात के अंदर एक आस्थाना बहुत बड़ा जिंदड़ शरीफ, तुहाडे जितने गुजरात के अंदर अंबिया के मज़ारात ने यह सारे जिंदड़ शरीफ के ताजदार हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कशफे कबूर के जरिए जाहिर किए सन।
हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जद गए ना बैतुल्ला शरीफ ते बैतुल्लाह दा तवाफ करदे दुरूद शरीफ पे पढ़दे सन। शेखुल कुरान अलामा अब्दुल्ला गफूर हजारवी रहमतुल्लाह अलैह वजीराबादी आप भी नाल तवाफ काबा कर रहे, आप कहने लगे शेख साहब हजरत साहब पीर साहब ये रब दा घर है अल्लाह अल्लाह करी दिए। ते आप कहने लगे जी मैं इश्क दे वेड़े खलोता। जब मदीना शरीफ गए नबी पाक दे गुंबद खिदरा ते जाती पई ना ते नजर पई ते आप पढ़न लग पे अल्लाहू अल्लाहू। शेखुल कुरान हजरत अब्दुल्ला गफूर हजारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा लगे बाबा जी उथे अल्लाह अल्लाह करने से दरूद पढ़ते सो, इतने दरूद पढ़ने से अल्लाह अल्लाह करने शुरू हो गए। आपने परमा तो आख्या से ना इश्क दे वेड़े खलोता, तो इश्क का मिजाज ए भाई यार दे सामने यार की गल करिए यार बड़ा राजी होंदा है, उथे उहदा यार फिर राजी करदा सा इथे इहदा यार फिर राजी करना। इश्क दियां रमज़ां भी अपनियां ते रस्मां भी अपनियां होंदियां, इस जमाने दियां रस्मां दा मोहताज नहीं होंदा। ताइयों हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इश्क करदा सदा अपनी मर्दी दे कम नायरा वेखदा ना कुरा वेखदा करदा सदा अपनी मर्दी दे कम नायरा वेखदा ना कुरा वेखदा ए जिथे जावे झुका देवे आशिक दा सर नाए काबा ते ना करबला वे सदा आ नाए काबा ते ना करबला वे सदा। पेंडू काबे का तवाफ करे ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं पढ़दा, पढ़दा या करीमो या करीमो या करीमो या करीम। उहदे पिछे उहदे वल वेखना नबी पाक भी पढ़न लग पे या करीमो या करीमो या करीम। पेंडू ना गुस्से नाल ए मुड़ मुड़ नबी पाक वल वेखे हजरे अस्वद चुमन जावे ते आके या करीमो, हजूर भी पिछे या करीमो मुड़ के वेखे, आबे जमजम पीवन जावे ते पढ़े या करीमो, नबी पाक भी पिछे या करीमो, सफा बर्बादी साई करे ते ओ पढ़े या करीमो, हजूर भी पिछे पढ़न या करीमो मुड़ मुड़ वेखे। जदों सारे अरकान अदा हो गए ना ते ओ काबे दी छावें खलो के नबी पाक ना बड़े गुस्से ना वेखी जाए। हजूर बड़े खरामा खरामा टुरे टुरे प्यार नाल दे करीब गए ते नबी पाक पेंडू नूं फरमान लगे मेरे वल एडे गुस्से नाल क्यों वेखना है, मिठा जा बोले मेरे नबी। पेंडू नूं गुस्सा इतना कि नबी पाक वल वेख के कहन लगा जी तुसी वेखण च शहरी लगदे हो ते मैं काले रंग दा पेंडू लगना, आ जिहड़े तुसी शहरी हुंदे सानू पेंडूआं नूं करदे हो मजाक, ते तुसी मैनूं मजाक कर रहे हो। हज़ूर ने फरमाया मैं कदे कीता ही नहीं। उन्हें आख्या हुण कीता, मैं या करीम पढ़दा सां तू भी मेरे पिछे या करीम पढ़दा सां, ते है मैं पेंडू हाँ पर मैं कोई एवें दा पेंडू नहीं। मुस्कुरा के सगे दे हल फरमान लगे जी तुसी किवें दे पेंडू हो, कह लगा है मैं पेंडू हाँ पर तेनू नहीं पता मेरी मक्के च बड़ी वाकफियत है। हजूर ने फरमाया तेरी मक्के च किहदे नाल वाकफियत है, कहन लगा ओ जिहड़े मक्के च अल्लाह दा नबी रहिंदा ना मेरा बड़ा यार है, ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो सुभान अल्लाह। ओ यार होवे ना इलाके दा SHO, यार होवे ना MP, ओ यार होवे ना MNA, ते बंदा एवें लोकां च बह के पता की आखदा मैनूं इलाके च डैली कोई नहीं, MP अपना यार है, ओ थानेदार अपना यार है, इलाके का MP थानेदार वजीर यार होवे ते बंदे नूं डैल नहीं आउंदी। ओनो रे कितना कमान सी के खुदा दा यार मेरा यार है, कहन लगा वो जड़ा मक्के चला था नबी रहा मेरा बड़ा यार है। हजूर ने फरमाया ओ जड़ा तेरा यार है किवें दा, हुन पेंडू सोची पै गया की दसा मैं ते वेखे ही नहीं, सोच सोच के कहन लगा यारी मेरी बड़ी है पर वेख्या मैं कोई नहीं। हजूर ने फरमाया वेख्या नहीं ते सुनिया ते होवेगा, ते कहन लगा हां 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 सुनिया है, सुनिया के जरा उन्होंने वेख लवे ना एक बार उदे लबा चो निकलता लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, उदे लबा चो निकलता सोनिया तेरे जिया ना तेरे तो पहले किसे वेख्या ना को तेरे बाद ही वेखेगा। एड़ा हो सोना एड़ा हो सोना एड़ा ही हो सोना है,
कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा सुनिया ते हाया ना ते ओ जड़ा तेरा यार यो किन्ना को सुने जरा मेनू भी दस ना हुन पेंडू मेरे नबी नू मेरे नबी दा ही हुस्न सुनावा लगा मेरे को ते हजरत अल्फाज नहीं के मैं तर्जुमा नहीं करा पर मेरा दिल करदा मैं लफ्ज उधारे ले लवा किसी आशिक रसूल को लूं हजरत मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने मैं दसना पेंडू ने मेरे नबी दा हुस्न मेरे नबी नू किवें सुनाया आखो सुभान अल्लाह ते मैं भी सुनावा कई बेली करूं सलाह करके आए ना कि मौलवी अजय टेल लाले मैं नहीं बोलना मैनू 24 साल हो गए खिताबत कर दिया इन 24 साल च मैं हिंद सिंध इंग्लैंड अमरीका यूरोप सारा फिर के वेख लिया पर यकीन करो वो जड़े सलाह करके घरों आते ना उन्होंने मैं भी नहीं जो बुला सकया वो जड़े बगैर सलाह तो आए हो तो बोलो सुभान अल्लाह मैं अगले दिन तकरीर कर रहा तो मैं आख्या भाई जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना हाथ खड़े कर लो सारे ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੋ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਫਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਕਈ ਬੇਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਵਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ ਆਉਂਦੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋਰ 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 ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ लड़ियां दंद मोतियां दियां हैं लड़ियां उदे रामा विच हूरा रैन खड़ियां ते अखां विच कुदरती सुरमे धारी दिलानों इंज कट दी दिए कटारी जिगर दिल बंद मई आमीनादार बाबल है प्यारी फा कदीमी शैन शाह आली घराना हुसैनो हसन दा लजपाल नाना जुलेखा उसनु जे बे लेंदी कदी पीछे न यूसुफ शामी दे पैंदी सिरों नंगी आउनी बेके मदीने किथे बस दे मेरे अरबी नगीने मदीने शहर दे बिच रहन वाला खुदा दे अर्श दे जा बैन वाला कह लगा तेन की दसा जुलेखा यो सुनो जे वेख लैंदी मैं तर्जुमा इंज करना वा हुसन यूसुफ वेख के एक जुलेखा भुल गई कमली वालिया तेरे ते ए सारी दुनिया डुल गई जुलेखा उसनु जे वेख लेंदी
कदी पिछे ना यूसुफ शामी दे पैंदी। मेरे नबी पेंडू वल वेख के फरमान लगे, चल तेरा यार बड़ा ही सोहना होगा पर मेनू धमकियां क्यों लगाना है? मेरी सारी तकरीर एक पासे तलंगे शरीफ वाले, मेरा हुन आ जुमला एक पासे। कौनैन दे वाली ने फरमाया मेनू धमकियां क्यों लगाना, तो पेंडू हजूर वल वेख के कह लगा आ जिहड़ा तू मेरे पिछे या करीम पढ़दा सा ना, तू मैनू मजाक करदा सा, तो मेरा दिल करदा सी मैं तेरी शिकायत जाके अपने नबी नू लगा देवा कि आ बंदा मैनू छेड़दा है। हजूर ने फरमाया तू जानदा क्यों नहीं शिकायत क्यों नहीं करदा? काबे वल वेख के कह लगा, काबे वाले की कसम उठा के कहना अज मैं तेरी शिकायत ला देनी सी पर जे तू कदे एडा सोहना ना ना होंदा, जे तू कदे एडा ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾ ਪੇਂਡੂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਮੈਂ। ਪੇਂਡੂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਦੀ ਦੀਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਪੇਂਡੂਆ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਲੱਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਪਿੰਡੂ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਜ ਕਈ ਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ, ਨਬੀ ਵਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਮਨਜ਼ਲ ਲਜ਼ੀ ਯਸ਼ਫਾਉਂਦਾ ਹੂ ਇਲਾ ਬੇ ਇਦਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਦੀਨ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨ ਤੇ ਮਰਦ, ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਦ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮਰਦ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਦ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਜਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੇ ਹੋਜਰੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦ ਹੋਣੀ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਗਲੀ ਹੋਵੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਆਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦਾ, ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦ ਹੋਵੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਖਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਖਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਖਤੀਬ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਣੋ ਬੀਬੀਓ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਵਣਗੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਗੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁੱਲਲਾ, ਜਿਹਦੇ 2 ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ 1 ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾੜੂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਬੈਠ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਇਧਰ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਰੋਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 3 ਟੁਰ ਜਨ ਜਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 2 ਟੁਰ ਜਨ ਜਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 1 ਟੁਰ ਜਾਏ ਜਨਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਕਜੇ ਥੁਰੂ ਆ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਰੋ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਭ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਪੇਂਡੂ, ਆ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
इधर हजूर ने पेंडू ना वादा किया तो उधर जबरील आ गए ते आके अर्ज की अल्लाह फरमाता जनता दे वादे करी जांदे हो ते मैं कयामत दा दिन बंदे ना हिसाब किताब ली रखे आए ते मैं को बंदे ना हिसाब किताब भी करने ने। नबी पाक पेंडू नू फरमा लगे आ जबरील खड़े ने एक कहंदे ने अल्लाह कहंदा मैं तेरा हिसाब लेना है। वो पेंडू एडा सादा जिहा कहन लगा जी मैं भी रब दा हिसाब लेना है। नबी पाक ने फरमाया रब उहदा हिसाब कौन करे उन्हें सारे का हिसाब लाना उन्हें आख्या ना मां भी लाना। हजूर ने फरमाया तू की हिसाब लाना रब ने कह लगा जी तुसा उत्थे ही होना। फरमाया मैं उत्थे ही होना। कह लगा फिर मैनू कोई परवाह नहीं तुसी मेरे कोल खलो जाओ तो रब ना गल मैं आपे कर लांगा। हजूर ने फरमाया तू रब ना हिसाब करने का देने पता नहीं वह किड्डा को सादा पेंडू पर गल बड़ी वड्डी कर गया। कहने लगा कमली वाले तू कोल खलो जाए तो मैं अर्श के नीचे खलो के रब नू कहना रबा मेरे ना हिसाब कर। तोलना ही तो तोल के वेख लै गिनना ही तो गिन के वेख लै नापना ही तो नाप के वेख लै हिसाब कर लै कि मेरे गुनाह बहुत ने कि तेरी रहमत बहुत ही मेरा हिसाब कर। पता नहीं उस पेंडू ने किस लहजे ने गल की थी कि मेरे नबी इतना रोए कि रो रो के नबी पाक की दाड़ी मुबारक तर हो गई। सैयद आलम रोए तो जबरील दोबारा आ गए अर्ज की सोने तुसी रोबो ना। अल्लाह फरमादा अपने पेंडू नू कह दियो तू साडा हिसाब ना लईयां सी तेरा हिसाब नहीं लैंदे। तू साडा हिसाब ना लवी ते असी तेरा हिसाब नहीं लैंदे। पता लग्या रब ने पढ़े लिखे नहीं वेखे रब ने काले गोरे नहीं वेखे चौधरी नहीं वेखे उन्हें वेख्या के बस रंग किन्ने मेरे नबी का चढ़ा लिया है। कौन है जिहड़ा मेरे महबूब नाल जिन्ना प्यार कर दे। अल्लाह ने उन्हां नू जन्नतां दे परवाने अता कर दिते ते आख्या तू साडे हिसाब ना लई असी तेरा हिसाब नहीं लैंदे। ते वेख्या कि वेख्या यार दा रंग सुभान अल्लाह सिबगतुल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगतु व नहनु लहू अबिदून। ओ जिन्ना उते अल्लाह दा रंग चढ़ गया उते रंग केड़ा ओ मुस्तफा दा रंग जेड़ा रब दा रंग है। लो नौजवानो बस इसे ते ही अज इक्तिफा करने आ। नौजवान कह रहे सन सरंगी वाला वाक्या सुना दिओ फलां सुना दिओ ये मैं तुहाडे उधार करके अज चलिया तुसा भी रोज़ा रखना है तो मैं भी जाके रखना है। फिर कदे आए तो इंशाल्लाह इतों ही गल का आगाज़ कर लवांगे। हाफिज़ अरसलान साहेब और इन्हां दी सारी टीम नूं अल्लाह ताला दे दुगनी राह चौगनी तरक्की अता फरमाए।